कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता मेरे दोस्त, मेरे बात को समझिएगा। इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। आज हम जवान हैं, आज हम हमारे पास इतनी ताकत है कि आज हम कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं एक ऐसा बिजनेस आपको बता रहा हूँ, आप कम पूंजी से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे बात को बड़े ही ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन भाइयों के लिए जो मेरे भाई बिना पैसे का या फिर पैसे नहीं है इस वजह से वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तकलीफ़ आ रही है। तो आज मेरी आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को, क्योंकि मैं काफ़ी सर्च करके एक अच्छा आइडिया लाया हूँ आपको। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे लोगों ने ताना दिया, मेरे घर वालों ने, मेरे आसपास के लोगों ने कि अरे यार ये क्या पागलपन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इससे क्या होने वाला है, इससे ये कौन सा बिजनेस है, YouTube से भी भला कोई पैसा देता है, ये भी कोई कमाने वाली चीज़ है, ये कोई एप्लीकेशन है, अरे आज है कल भाग जाएगी, तेरा बैंक लूट लेगी, तेरा ये बर्बाद हो जाएगा। बहुत लोगों ने बहुत ताना मारा। मैं किसी जगह काम करता था, वहाँ पे काम करते करते काफ़ी दिन बीत गए, थक गया, समझ गया, सोच लिया, समझ लिया, मैंने देखा कि छोटा ही बिजनेस हो लेकिन अपना हो। पैसे नहीं थे मेरे पास भी। आज देखिए, आप लोगों के प्यार है, आप लोगों का दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज सब कुछ है, भगवान की दया से सब कुछ है। आप लोगों का आशीर्वाद है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेरे वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, वीडियोस वायरल हुई, 9-9 लाख, 8-8 लाख, 6-6 लाख जो है व्यूज़ आए और जो है संख्या बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, मेरे से जुड़ते गए। तो दोस्तों, आज जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, यदि आप मेरे तरह मतलब इंटरेस्टेड हैं बिजनेस में तो सुनिएगा। कुछ लोगों को ये भी पसंद नहीं आएगा, वो भी कहेंगे कि ये बेकार है, लेकिन छोड़िए उन लोगों को, यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए, आजकल जो किसी का भी घर है, मतलब कि वो घर मतलब होम जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, किचन है, वहाँ पे ना जो चूहे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो चूहे होते हैं वो परेशान करते हैं यार। जैसे रोटी है, सब्जी है, दाल है या फिर चावल है, कुछ भी है, तो वो नुकसान कर देते हैं। या फिर अनाज रखा गया है, गेहूँ, धान, मक्का, ये सब कोई भी ऐसा चीज़ रखा गया है तो वो नुकसान कर देते हैं। बोरी रखा है, बोरी को काट देते हैं, लोग होते हैं परेशान। और वो क्या करते हैं, चूहे को या तो गोली खिला करके मार देते हैं या फिर एक ऐसी मशीन आती है जो मतलब कि वो उसमें दब जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आता नहीं, ये हर कोई परेशान है, चाहे गांव में है चाहे शहर में है, हर कोई मतलब इससे दुखी है, चूहों से दुखित है। वैसे तो चूहा नहीं मतलब मारना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान जी का सवारी है, लेकिन फिर भी यार नुकसान तो करते हैं ना। तो देखिए, मैं उसके लिए उपाय ढूंढा हूँ कि जिससे कि वो मरे भी नहीं और आपका काम भी हो जाए, आपका बिजनेस भी हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो समझ आ रहा है, लेकिन उससे बिजनेस से क्या रिलेट है, मतलब है क्या बिजनेस उसमें है, बताता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से यार, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जो मशीन मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, इस मशीन को आप ध्यान से देखिए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये मात्र 50 रुपए की है। वैसे तो मैं इसको 50 में ही खरीद के लाया हूँ, वो भी मतलब जहाँ से होलसेल मिलता है वहाँ से 50 में ही लाया हूँ, लेकिन ये मिलता 100 रुपए में है। मैं आपको बता दूँ कि यदि आप इसको 100 रुपए में भी बेचते हैं तो ये बिक जाता है। और ये एक बात तो कन्फर्म है कि ये हर घर की ज़रूरत है, हर कोई इसको यूज करेगा ही करेगा, हर घर में आप इसको बेच सकते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से कोई नहीं बेचता है, ठीक है, और ये बिक जाएगा, इसकी गारंटी है कि ये बिक जाएगा, क्योंकि यार ये नीड है लोगों की और इसमें लोग शर्माते हैं और शर्म के मारे इसको बेचना नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि आपके पास थोड़ी सी भी हौसला, हिम्मत, कलेजा मतलब है तो आप इसको कर सकते हैं, शर्माइएगा मत, क्योंकि शर्माएंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको आप यदि चाहें तो कोई बढ़ई बोलते हैं ना सर, बढ़ई लोग जो बनाते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, उनको यदि चाहें तो ये बनवा सकते हैं, उनसे उनको रख करके बनवा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसको सीख करके बना सकते हैं। दोनों तरीका है, दोनों तरीका जेन्युइन है। और इसको बनवा करके, अब जैसे मान लीजिए एक को बनाने में कम से कम चलिए आधा घंटा मान लेते हैं, आधा घंटा लग रहा है एक को बनाने में, अगर दिन भर एक इंसान अगर बना रहा है, दिन भर का मेरा मतलब 8 घंटे यदि बनाएगा तो 16 पीस बनाएगा,
या फिर 15-14 बना ही लेगा, ठीक है। तो 15-14 पीस यदि बना लेता है तो अगर उसको सेल करता है, सेल तो करना आसान है क्योंकि हर घर की ज़रूरत है, और घर घर मतलब ये लोग परेशान तो होते हैं लेकिन अब जाए तो कहाँ जाए, मिलता नहीं है। अगर मतलब इंसान परेशान तो यार चूहों से, लेकिन आखिर जाए तो कहाँ जाए, तो वो ढूंढता है फिर मिलता नहीं है तो वो तंग आ जाता। लेकिन अगर आप लेकर के मार्केट में घूमते हैं या फिर किसी भी तरीके से उसको बाइक पे, रेडी पे, साइकिल पे, ठेले पे, किसी भी तरह से उसको बेचते हैं, मतलब दिखाते हैं लोगों को, तो लोग उसको खरीदते भी हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से परेशान था, मैं भी ये खरीद के लाया था, तो मेरे को दिमाग में आया कि मैंने सोचा यार लोगों को बता दूं यार, क्योंकि चूहे जो है सभी लोग परेशान हैं। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपने उसको बनवा लिया, बनवा करके उसको सेल करने लगे, 12-13 पीस बनाया, 600 का हुआ, अगर और एक्सपीरियंस हो जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इसको आप सेल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि गांव-गांव घर-घर जाकर के सेल कर सकते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि आप सीख करके बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, समझिएगा, क्योंकि लकड़ी की ये सब मिला जुला के मतलब कि आपका मेहनत, मतलब आपका खुद निजी रहेगा। अगर किसी टेक्नीशियन को रखते हैं तो उसमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, फिर उसका भी मतलब बनेगा। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आप इसको कर सकते हैं वैसा इसको कीजिएगा, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है, कम पैसे में ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अब ये मत बोलिएगा कि आप करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, बहुत लोग बोलते हैं ना, उससे थोड़ा सा यार वो होता है, मैं हर एक काम थोड़ी ना करूँगा, दिन ऐसे ही 3-4 काम तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज़ और, मेरे जो पहली वीडियोस थी जिसमें मैंने ये रैक वाला दिखाया था कि मैंने दुकान खोलने वाला हूँ, तो उसमें काफ़ी लोगों का कमेंट बहुत अच्छा आया है, बहुत से लोग ऐसे बोले हैं जो किराना स्टोर खोलिए, कोई मतलब कपड़े का खोलिए, किराना स्टोर, ये ज़्यादातर कमेंट यही आया है। तो मैं आपको बता दूँ कि अब इन दोनों में से कौन सा खोलूँ, आप मुझे यार बताइएगा, क्योंकि यार इन दोनों में से कोई भी खोल सकता हूँ, किराना का भी कपड़े का भी, ज़्यादातर लोग तो किराना ही बोल रहे हैं, कपड़े का बोल रहे हैं, तो आप दोनों फिर बताइएगा, मतलब दोनों में से कौन सा खोलना सही रहेगा। और एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप मेरे एक और चैनल जो जिसका नाम है आरके टूल ब्लॉग्स, यदि उसको सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को मेरे लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार अपने को ना बहुत जल्दी 1,00,000 लोगों को जोड़ने हैं और 1,00,000 कंप्लीट करने हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, 3 साल हो गए और 1,00,000 लोग नहीं हुए, यार मुझे भी काफ़ी शर्म लगती है कि शायद मैं कुछ तो गलती ऐसा कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि मेरे से छोटे छोटे जो चैनल थे वो बहुत जल्दी ग्रो कर गए, और मैंने शायद कुछ कमी किया है अपने अंदर, क्योंकि मैं वीडियोज भी रेगुलर शायद नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि इस काम में और भी काम है उसमें मैं बिजी रहता हूँ, तो इसकी वजह से शायद नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यही कुछ आइडियाज़ था मैंने जो बिजनेस बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा, मैं जानता हूँ कि आप पैसे कमाएंगे यार, डेली का 500 600 700 आप कमा सकते हैं, यदि कोई सूझ नहीं रहा तो ये तो सूझेगा ही, और इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।